हमारा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है अपने सहयोगियों से। इस बीच मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से एक अलग लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, वो वही पूरी की पूरी लड़ाई जो है, जो गांधी वर्सेस सावरकर का मामला है, उसमें राहुल वर्सेस मोदी को किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाए, यही कांग्रेस की पूरी रणनीति। और सीधे आपको लेकर चलते हैं जयपुर, मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला मुख्यालयों में इस वक्त सड़क पर उतरी हुई है। जरा जानते हैं मनीष शर्मा से किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन जयपुर में क्या है, तस्वीर मनीष दिखाइए जरा। बिल्कुल रोमाना, जयपुर का ये कलेक्ट्रेट सर्कल है और यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर सुबह 10 बजे से बैठ गए हैं। ये शाम 5 बजे तक कांग्रेस का प्रदर्शन सत्याग्रह के तौर पर चलेगा और यहाँ पर तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुँचेंगे। मैं गोविंद सिंह डोटासरा से जानने की कोशिश करता हूँ। गोविंद जी, ये बताए कि आप लोगों का सत्याग्रह शुरू हो गया है, आगे आप लोगों की क्या रणनीति? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही, हिटलर शाही और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये कांग्रेस का कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, न हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त करेंगे। आज जिस प्रकार से जो अडानी के ऊपर सवाल उठाना चाहते थे राहुल गांधी जी, उनको लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया और 12 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा की सदस्यता ही निरस्त कर दी उनकी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके तहत अब आप देखना कर्नाटक के साथ एक दो दिन में ही ये वायनाड की जो है वो सीट रिक्त करके उसके ऊपर उपचुनाव की घोषणा भी कर सकते हैं। ये सोची समझी साजिश है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी मोदी सरकार को देश के लोगों के मुद्दों के ऊपर घेर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की कलाई खोल रहे हैं, उनसे ये बौखला गए हैं और ये इस प्रकार का षड्यंत्र करके राहुल गांधी को लोकसभा से वंचित करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने कल कहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, न मैं डरने वाला हूँ, न मैं भागने वाला हूँ, मैं निडरता के साथ में संसद हो चाहे नहीं हो, सड़क के ऊपर लोगों के बीच में देश के मुद्दों को उठाता रहूंगा। जो मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार से अडानी जी से साठगांठ है, इस मुद्दे को मैं इस शरीर में जब तक एक बूंद भी खून की होगी तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आज आप लोग सत्याग्रह पे हैं, आगे की क्या रणनीति? देखिए, हमने तय किया है राजस्थान में आज हम सत्याग्रह पे हैं और हम 28 तारीख को, 29 तारीख को, दो दिन चार संभागों में, 28 तारीख को हम उदयपुर संभाग के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ठीक है, तो ये तैयारी है कांग्रेस की देश भर में इस विरोध प्रदर्शन को धार देने के लिए। लेकिन फिलहाल जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो दिल्ली का राजघाट इलाका है, जहां पर मंच पर खुद प्रियंका गांधी पहुंची हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार। और इस बीच आप देख सकते हैं मेरे साथ लगातार यहाँ पर कांग्रेस नेताओं का जो पहुंचने का सिलसिला है और एबीपी न्यूज के माध्यम से अपनी बात कहने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ओनिका जी भी हमारे साथ मौजूद है। ओनिका जी, क्या है कांग्रेस की रणनीति आगे? देखिए, साफ जाहिर है कि जिस तरह से मोदी सरकार डरी हुई, सहमी हुई है, डरपोक तरीके से हरकत कर रही है, वो जग जाहिर है। तो देश की जनता अब ये देख चुकी है कि जो वो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। तो मोदी सरकार डरी हुई है, यही वो लाइन कांग्रेस पार्टी जिसको अपने इस आंदोलन के जरिए आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।